नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार और आज हमारे साथ सनातन दीप सर हैं। शायद आपने इन्हें नाम से नहीं पहचाना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि सनातन दीप सर जो हैं वो इंडिया में ही नहीं, देश से बाहर विदेश में भी अपनी गायकी का लोहा मनवा चुके हैं। ये ठुमरी हो गया, गज़ल हो गया, सूफी गाते हैं और आज इनका बिहार आना हुआ है। ये जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं और हम आपको बता दें कि सनातन दीप सर बिहार से इन्होंने PhD कर रखा है और आज भागलपुर महोत्सव में इनका आना हुआ है। और आज भागलपुर महोत्सव का चौथा दिन है और अभी के समय में सूफी और गज़ल कितना मायने रखता है, या फिर इसको लेकर आजकल के जो युवा जो गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं इनसे जुड़े वैसे ही सवाल होंगे। तो बहरहाल सनातन दीप सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सनातन दीप सर, आज बिहार, हालांकि आपके पढ़ाई के दौरान आप बिहार आते रहे हैं और हमको लगता है काफ़ी दिनों के बाद आज फिर बिहार आना हुआ है और भागलपुर की धरती पर आप शायद पहली बार होंगे, तो आपसे सबसे शुरुआत सवाल से करते हैं सर कि अभी के समय में जो युवा हैं सर वो गायकी क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेकिन गज़ल, सूफी, ठुमरी ये सब चीज़ों में जो रुचि है सर उनकी थोड़ी कम दिखाई पड़ती है, इस लाइन में कम आना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण बिल्कुल मैं टू दी पॉइंट कहूँगा जी। कारण ऐसा है कि ये बहुत कठिन साधना की चीज़ है और चाहे आप गज़ल या सूफी या गायन की कोई भी विधा में आइए, आपको विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी होगी और सतत प्रयास और बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस में आपको रहना होगा, गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा, जो बिल्कुल पेशेंस की बात है और ये पेशेंस बहुत कम में पाई जाती है। जिन्होंने किया उन्हें मंच मिलता है और पूरी दुनिया जानती भी है। तो यही मैं कहना चाहूँगा युवाओं से, तो सबसे बड़ी बात है कि कम समय में बहुत जल्दी सीढ़ी पार कर जाना चाहते हैं वो, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सीढ़ी नुमा है, आपको स्टेप बाई स्टेप वाइज आपको जाना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो सतत अभ्यास चाहिए जी। सर, डॉक्टर सनातन दीप सर, हम आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा कि अभी के समय में जिस तरह से हम गायकी के क्षेत्र में बात करें तो कितना आसान रहा हो जाता है सूफी गाना, ठुमरी गाना, गज़ल गाना या फिर हिंदी गाना, इनमें हिंदी और सूफी और गज़ल और ठुमरी इन सब गायकी में सबसे कठिन और सबसे आसान मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा आसान चीज़ें हों। देखिए, आसान तो बातें तब बन जाती हैं जब सारी विधाएं, आपने जिन विधाओं की बात की, ठुमरी हो या गज़ल या गीत या फिर सूफी जो भी, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप उन विधाओं को किस रूप से देखा है और किसके मार्गदर्शन में आपने उसको सीखा। क्योंकि जो गज़ल हम गाएंगे, तो गज़ल के लिए जैसे सबसे पहली तो मैं कह दूं कि सबसे पहले कि आपको शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी होगी, उसके बाद फिर अगर गज़ल मैं चुनता हूं तो उसके अल्फाज, उनके उर्दू के शब्दों का नॉलेज, स्पेशली अगर आप जो गज़ल प्रस्तुत कर रहे हैं उनके जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है और तौर तरीके हैं जो गाने के, सारी चीज़ें जिसमें आती हैं, स्वर लय तो बराबर है, चाहे ठुमरी गाइए चाहे गज़ल गाइए, लेकिन उन चीज़ों को अब गीत गा रहे हैं तो भी प्रोनाउंसिएशन सबसे बड़ा मायने रखता है। और एक जैसे ठुमरी की बात है तो ठुमरी भी जैसे पंजाब अंग की ठुमरी गाइए, पूरब अंग की ठुमरी गाइए, तो उस अंग से आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि गज़ल गा रहे तो ठुमरी जैसे लग रही है, ठुमरी गा रहे तो गज़ल जैसे लग रही है, ये नहीं। वो दोनों सब अलग अलग विधाएँ हैं और उनको अलग अलग ढंग से साधना पड़ता है। सर, डॉक्टर सनातन सर, आपने उच्चारण की बात की तो हम बात बिहार की करेंगे, क्योंकि अभी आप बिहार में भी हैं और लोग देख भी रहे हैं, बिहार के लोग भी देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि बिहार के जो, हालांकि सर मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाषा जो है सर कोई भी बुरी नहीं होती है, बिल्कुल क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, तो भाषा बुरी नहीं होती, लेकिन उच्चारण की जहाँ तक बात है सर, तो बिहार के लोगों में क्षेत्रीय एक्सेंट की जो प्रॉब्लम है, रौकोड़ो, शौको सो, ये प्रॉब्लम बिहार के लोगों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इसको कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए क्या मेहनत करें, मतलब कैसे, किस चीज़ों पर मेहनत करें जो ये चीज़ें ख़त्म हो जाए? बहुत अच्छी सवाल किया आपने।
एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन की जहाँ तक बात है, भाषा तो ऐसे हैं कि, और सबसे पहली बात है कि भोजपुरी या फिर हमारी खड़ी बोली जिसमें अंगिका भाषा, ये जो हमारे शास्त्रीय संगीत के जितने भी बंदिशें हैं सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं। साजन, पिया, परदेश गैलवा, कुछ भी ऐसे शब्द, ये सारे शास्त्रीय संगीत की विधाओं में आते हैं और इतनी अच्छी हैं ये भाषाएं कि इनकी अपनी अलग महिमा है और बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, आपने एक सवाल की कि मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आपने क्या पूछा? पूछा मैंने सर कि भाषा जो है खासकर बिहार वासियों की जो भाषा होती है उनका र को ड़ो, श को शो वाला ये चीज़ में, ये ड को र ये बंगाल में भी पाया जाता है जी। हम जब बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उस दौरान हम लोग देते हैं, जैसे राम नहीं कह सकते, राम कहेंगे, आराम, राम, तो ये इनको जैसे बच्चों को जैसे अल्फ़ाबेट सिखाते हैं हम लोग, बच्चों को जैसे बेसिक शिक्षा देते हैं कि ये स्वर को, लंबे लंबे स्वर को, र को लंबा रखो, ड को लंबा रखो, दोनों का फ़र्क, और फिर उसको शुरू से ही ट्रीट करने के बाद, लेकिन एक सीमा है कि अगर वो काफ़ी उम्र में गाना सीखता है तो वो फिर सुधर नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए समय रहते उन चीज़ों को गुरु को ध्यान देना चाहिए जिनसे आप शिक्षा ले रहे हैं। तो सर बहरहाल आज सिल्क टीवी के साथ हैं और बिहार में हैं, तो हम चाहेंगे कि बिहार वासियों के लिए और खासकर भागलपुर वासियों के लिए आपका कुछ ऐसा संदेश। मेरा तो भागलपुर पहली बार आना हुआ और आपका कार्यक्रम बहुत भव्य है और प्रांगण में घुसते ही साथ ही, और इतना वेल अरेंजमेंट, इतना अच्छा व्यवस्था, बहुत सुंदर, और यही कहना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में जो भी ऑडियंस रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि गज़ल से हटके भी उनको चीज़ें समझाई जाए। मैं आया तो हूँ गज़ल गाने के, लेकिन गाने की सारी विधाओं का थोड़ा थोड़ा मैं चाहूँगा कि कुछ ठुमरी, कुछ इस तरह की गीत या फिर कुछ उपशास्त्रीय कंपोजिशन जो है मैं बिल्कुल चाहूँगा। मेरे साथ साजिंदे बिल्कुल भागलपुर के हैं, मैंने अपने साजिंदे नहीं लाए, एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे जी। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं सर आज आपकी जो गज़ल है और जो आपकी ठुमरी है और ख़ासकर जो आपने सूफी की बात करा सर, मैं भी चाहूँगा कि लोग पसंद करेंगे और आपको लोग यहाँ से बहुत सारा प्यार मिलेगा, ये मेरा विश्वास है सर। और हमारे साथ थे डॉक्टर सनातन दीप सर, जो कि देश में भी नहीं, फ्रांस जैसे शहर, देश में भी, विदेश में भी इन्होंने अपना गायकी का लोहा मनवाया है, सूफी का और ख़ासकर गज़ल का। और आज हमारे साथ थे डॉक्टर सर, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारा जो है डॉक्टर सनातन दीप सर के साथ बातचीत कैसा लगा, नहीं लगा, हाँ लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर हैं, और बहरहाल हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।